सो हे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे Amazon KDP पे अपनी बुक्स को लाइव अपलोड कर सकते हैं और लाइव कैसे करें, कैसे कैसे प्रोसेस है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो लॉगिन कर लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड से, जो आपके पास है KDP पर। ये एक फ्री सर्विस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक गूगल एडसेंस। आपको इसमें अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है, क्या टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, उसके बाद अपनी बुक को आप लाइव कर सकते हैं। एंड बुक का प्रोसेस कैसे, इस पर अकाउंट बनाएं, इसके प्रोसेस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा कि कैसे इस पर टैक्स की इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, कैसे कैसे इस पर अपना अकाउंट बनाना है, उसके जितने भी स्टेप है उसमें शेयर कर दूंगा। तो गाइस, ये बुक का जो मटेरियल है, मैं कलरिंग बुक कैसे अपलोड करते हैं, सबसे इजी वे होता है बुक बनाने का स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई सर मिले तो आप कलरिंग बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक पेपर क्रिएट ए पेपर बैग पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू पे करके क्रिएट ए पेपर बैग पे। देन देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि जैसे बुक का टाइटल और ऑथर नेम में आप कोई सा भी अपने नेम चूज कर सकते हैं। बुक के ऑथर नेम मैं आप यहाँ पे रेणुका प्रेस के नाम से मैंने डाल दिया है। फिर जो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने एक चैट जीपीटी यूज करा है डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, इसको यहाँ से अपलोड कर दिया, यहाँ पे डाल दिया इसको। और जो जो इन्फॉर्मेशन है जनरेट करने के बाद गाइस एक बार खुद भी रीड कर लीजिए कि आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। जो है वो आप उसको रहने दीजिए और जो नहीं है उसको डिलीट करके आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी खुद राइट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन गाइस मेन होता है क्योंकि ये ही रैंकिंग पर्पस, जो अमेजोन में बुक कोई सर्च करता है ऑनलाइन तो उसके आधार पे ही रैंकिंग जो आती है। डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक का टाइटल के आधार पे। तो नेक्स्ट चूज कर लीजिएगा, कैटेगरी मेन है। कैटेगरी अगर आपका गलत चूज कर लेंगे तो कैटेगरी के वजह से भी ये हो जाता है। कैटेगरी चूज करेंगे, कैटेगरी में जाके आप क्राफ्ट हॉबीज के ऑप्शन को चूज करेंगे, फिर यहाँ से सब कैटेगरी के चूज करेंगे कलरिंग बुक्स। एंड जो भी आपकी कलरिंग का मटेरियल है उसको आप चूज कर लेंगे यहाँ पे सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपको समझना है कि कौन सी कैटेगरी चूज करें तो आप जनरल कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, और करीब 3 कैटेगरी में चूज करनी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम आप 3 ही कैटेगरी चूज करिएगा। 2 कैटेगरी चूज भी कर सकते हैं लेकिन 3 कैटेगरी रहेगी तो आपका बेटर रहेगा, आप बहुत 3 कैटेगरी के अंदर रैंक करेगा। एंड कीवर्ड्स भी आप चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं, या अपने अगर आपने अपने आपके पास कीवर्ड्स हैं सर्च करे हुए कि क्या कीवर्ड्स रखने हैं। वैसे तो बेसिकली अमेज़न कहता है कि कीवर्ड्स मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी कीवर्ड डालना बहुत जरूरी है कि कीवर्ड से भी रैंकिंग थोड़ी बहुत फर्क पड़ती है। कीवर्ड्स रख लीजिएगा अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। जो मेरी बुक है वो है कलरिंग पे हॉरर का थीम है, साथ ही साथ इसमें इम्प्रूवमेंट राइटिंग के लिए ट्रेसिंग पेजेस हैं, इसलिए कॉम्बो बुक बनाई है मैंने। इंग्लिश लेटर कलरिंग बुक, डेट पब्लिकेशन सेम रहने दीजिए, रिलीज डेट सेम रहने दीजिएगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, 3 स्टेप में बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट स्टेप है पेपरबैक का कंटेंट, ISBN आप यहां से जब चूज करेंगे तो यहां से अपने आप पे फ्री ISBN साइन कर लीजिएगा KDP ISBN। एंड प्रिंट ऑप्शन में आप ब्लैक एंड वाइट पेपर इंटीरियर कर लीजिए क्योंकि कलरिंग बुक है, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर बुक कर लिया है। और जो ट्रिम का साइज है यहाँ से मैं अपनी बुक का जो है साइज मैंने बिग रख रखा है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कैसे कैसे आपको बुक बनानी है
8x11 इंचेस की बुक्स है मेरी, ये कलरिंग बुक एंड पीडीएफ में ब्लीड है एंड पेपर बैक कवर कौन सा होना चाहिए, मैटे ग्लॉसी आप कोई सा भी रख सकते हैं, मैटे मैंने मैटे में रखा है। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई है जो बुक्स के अंदर का कंटेंट है वह पहले अपलोड करना है, जैसे बुक्स के अंदर कंटेंट ये है और कलरिंग बुक एंड अल्फाबेट ट्रेसिंग, ये है 125 पेजेस की पीडीएफ फाइल मैंने बनाई है, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया है मैन्यूस्क्रिप्ट पे। बस अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि 125 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, तो अपलोड हो चुका है। अब बुक का कवर पेज अपलोड करेंगे हम, देखिए अपलोड प्रोसेसिंग में है, प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हम बुक्स का कवर पेज करेंगे। ये कवर पेज अपलोड ए कवर यू ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ से चूज कर लिया ये वाला ऑप्शन और यहाँ से अपलोड कर दिया है कवर। एंड गाइस वीडियो में बने रहिए, जितने भी स्टेप्स हैं मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, कैसे कैसे कवर अपलोड होने के बाद कैसे आपको प्राइसिंग सेट करनी है। बुक का दोनों चीज अपलोड होने के बाद कवर और मैन्यूस्क्रिप्ट, इसके बाद आपसे पूछेगा एआई जनरेटेड कंटेंट है या नहीं, मैंने नो कर दिया है। और लॉन्च प्रीव्यू का ऑप्शन जरूर करना है, इसमें ये प्रॉपर बताता है कि आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट में जो कंटेंट है मैन्यूस्क्रिप्ट का ठीक ठाक है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें लॉन्च प्रीव्यू में दिखाता है, तो ये जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कोई इशू डिटेक्ट हो रहा है कवर के अंदर या मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर या नहीं। अगर कोई इशू आता है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा पहले ही, अगर नहीं आता है कोई इशू नो इशू फॉर्म तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे मेरे इसमें देखिए आप कोई भी इशू नहीं आता आया, नो इशू सिलेक्टेड आप नीचे की साइड में देख सकते हैं, और जो भी इशू आते हैं चाहे मैन्यूस्क्रिप्ट में या कवर के ऑप्शन में तो वो आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ से मैंने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अप्रूव होने के बाद ये अनेक्स्ट आता है इसका प्राइसिंग। प्राइसिंग देखिए ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये अमेजोन की प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये सिर्फ जस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसके बाद अमेजोन जो अपना अपनी शेयरिंग लेता है हर बुक को सेल करने के लिए वो अलग है। यहाँ पे ऑल टेरिटरी मैंने यूज़ कर लिया है, अमेजोन यूएसए यूके फ्रांस एंड अपना प्राइसिंग रखा है, तो मिनिमम 5.21 आप देख रहे हैं, ये आपको रखना ही है क्योंकि इतना तक आपका अमेजोन और प्रिंटिंग रख लेगा, इसके बाद जो होगा प्रॉफिट उसमें से भी वो शेयरिंग लेता है। जैसे आप अपने $9.99 मैंने रख लिया है तो उसमें $3.212 मेरी कॉस्ट लगेगी एक्स्ट्रा, और इसमें जो रॉयल्टी मुझे मिलेगी $2.27 करीब मिलेगी। एंड अमेजोन यूके और amazon.com बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट सिटी कंट्रीज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी 99 रख दिया है जिससे कि थोड़ा इन दोनों का ही मेन है, और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। करीब 72 आवर्स के बाद ये आएगा कि आपका लाइव होगा कि नहीं या कोई इशू दोबारा आ गया है, उसके बाद भी आता है नो इशू फाउंड के बाद भी गाइस कुछ कुछ इशू बाद में भी आ जाते हैं, तो उसके बाद भी आप देखते रहिएगा। तो आप देखिए 3-4 बुक्स ऑलरेडी मैंने इशू करके देख रखी है, तो वो लाइव हैं, आप मेरे amazon.com पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ से जितने भी ऑटोमेटिक की प्राइसिंग ले लेगा। आपको अगर इसमें एडिटिंग करना है कोई सा भी तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी एडिट कर सकते हो कि जापान में कौन सी करेंसी का चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। तो पब्लिश और पेपर बैक पे मैंने कर दिया है, अब यहाँ से मेरी बुक हो जाएगी पब्लिश और हम वेट करेंगे कि कब हमारी लाइव हो जाएगी लिस्टिंग। तो लिस्टिंग लाइव होगी तो मैं भी वो भी शो कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे मैंने अमेजन पे ये बनाया है और कैसे
बुक्स बनाई हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कवर कैसे बनाना है, कितने कितने साइज का बनाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर डालिएगा। 5-6 कमेंट आएंगे तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो डाल